नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जलेबी में। दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे कबूतर के मीट खाने के फायदे। जी हाँ दोस्तों, आपने चिकन का मीट खाया होगा, बकरे का मीट खाया होगा, मछली का मीट खाया होगा, लेकिन दोस्तों आपने कभी नहीं सोचा होगा कि कबूतर के मीट के भी फायदे होते हैं। दोस्तों हमारे देश में कबूतर का मीट कम खाया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ मिडिल ईस्ट के कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर कबूतर का मीट बहुत कॉस्टली मिलता है और इसकी बड़ी डिमांड है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इसके फायदे इतने ज़बरदस्त हैं कि आप यदि इसे कहीं पर पाएं तो आप ज़रूर खाएं, क्योंकि इसको खाने से आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलेगा। आपके शरीर में जो बहुत सारी व्याधियाँ उत्पन्न हो गई हैं उनको आप समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में कबूतर के मीट खाने के फायदे। तो दोस्तों इसका सबसे पहला फायदा है आपके बालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोगों के बाल झड़ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। तरह तरह के केमिकल, तरह तरह के उत्पाद, तरह तरह की दवाओं का लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में मैं आपको कहूँगा कि यदि आप सप्ताह में एक बार कबूतर का मीट खाते हैं तो आपके जो बाल हैं वो जड़ से काले होने लगेंगे और ज़्यादा घने होने लगेंगे, काफ़ी सुंदर दिखने लगेंगे। तो इसलिए कबूतर का मीट खाइए ताकि आपके जो बाल हैं वो घने हो सकें, उनकी डेंसिटी बढ़ सके, असामयिक रूप से वो सफ़ेद ना होने लगें। साथ ही साथ दोस्तों कबूतर का मीट खाने का जो दूसरा फायदा है वो ये है कि ये काफ़ी गर्म होता है, इसीलिए आपकी जो मसल्स का निर्माण अच्छे से करता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों कबूतर के मीट में 17 ग्राम प्रोटीन होने के कारण वो लोग जो जिम में पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, तरह तरह के प्रोटीन के उत्पाद खरीद कर अपने शरीर में डालते हैं, उनको चाहिए कि वो कबूतर का मीट खाएं। और मैं आपको गारंटी देता हूं यदि आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो आपकी मसल्स बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, आपकी बॉडी भी लचीली हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आप कबूतर का मीट खाकर इसके प्रोटीन को प्राप्त करके आप अपनी मसल्स को भी बना सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जिन लोगों को भी आंतरिक घाव है अपने शरीर के, जिनके भीतर किसी भी प्रकार का घाव हो गया है, उनको भी ये सलाह दी जाती है कि वो कबूतर का मीट खाएं, क्योंकि कबूतर का मीट खाने से जो आंतरिक घाव हैं, इंटरनल जो डैमेज हुए हैं, वो समाप्त होने लगते हैं और बहुत तेज़ी के साथ रिकवर करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जिन लोगों को लकवा की प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि जिन लोगों को लकवा मार जाता है, ऐसे लोगों को भी कबूतर का मीट खिलाया जाता है। कबूतर का मीट खाने से लकवा की जो प्रॉब्लम होती है बहुत तेज़ी से समाप्त होने लगती है। किसी भी प्रकार का लकवा हो, चाहे जैसा ही हो, यदि 2 से 3 महीना कबूतर का मीट खिला दिया जाए तो लकवे की जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाएगी, यानी जो फालिज की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों जिन लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम है, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, उनमें कैल्शियम की कमी है, ऐसे लोगों को भी यदि कबूतर का मीट खिलाया जाए तो उनकी हड्डियाँ मजबूत होने लगती हैं। हड्डियों में जो जॉइंट्स पेन होते हैं वहाँ पर कभी भी पेन उन्हें नहीं होता है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे बच्चे बचपन में हकलाने लगते हैं और एक लंबे समय तक देखा जाता है कि जब वो 15, 16, 17 साल के भी हो जाते तब भी वो हकलाते ही रहते हैं। तो हकलाहट को दूर करने के लिए यदि आप कबूतर का मीट खिलाते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार, तो 3 से 4 महीने के सेवन से ही आप देखेंगे कि आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलना शुरू हो जाएगा, जो हकलाने की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम होने लगेगी। तो देखा दोस्तों आपने, बाल से लेकर हकलाने तक की समस्याओं का निस्तारण कर देता है कबूतर का मीट, कितना ज़बरदस्त है। तो दोस्तों हमारे देश में तो इसको खाने वाले लोग कम हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि इसके ज़बरदस्त फायदे को देखते हुए आप इसे ज़रूर खाइए, बालों से लेकर हकलाने तक की समस्याओं को दूर करिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें और इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।